नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं फरहीन अंसारी और चल रहा है हमारा क्राइम सेगमेंट गुनाह। इसमें हम आपको बताएंगे अपराध से जुड़ी कुछ दिल दहला देने वाली वारदात। पहली खबर है मैनपुरी से, जहां एक फार्मेसिस्ट घर पर मरीज देखने नहीं गया तो एक शख्स को ऐसा गुस्सा आया कि उसने उसके सर पर चाकू से वार कर दिया। दरअसल फार्मेसिस्ट मुकेंद्र कुमार, जो कि अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, उस वक्त विजेंद्र कुमार यादव नामक एक शख्स आया और उसने घर पर मरीज देखने की बात कही। फार्मेसिस्ट मुकेंद्र ने मना किया और कहा कि हम अभी ड्यूटी पर हैं, घर पर नहीं जा सकते। इतने में ही वो शख्स लड़ाई करने लगा और अचानक चाकू से वार कर दिया। उस वक्त मौके पर मौजूद चश्मदीद विपिन कुमार, जो किसी अस्पताल में धोबी की पोस्ट पर तैनात है, उसने जानकारी देते हुए बताया कि जब वो अस्पताल में आया तो मुकेंद्र से दो तीन लोग मारपीट कर रहे थे और एक के हाथ में चाकू था। उन्होंने बचाने की कोशिश की तो उनके साथ भी मारपीट की गई। हालांकि अब मुकेंद्र की हालत पहले से बेहतर है। तो वही जमशेदपुर में एक कॉलोनी में अचानक ही बदबू फैल गई, जिसके चलते कॉलोनी में रहने वालों में हड़कंप मच गया। सोर्स को खोजते खोजते एक घर के सामने जब लोग पहुंचे जहां से बदबू आ रही थी, जब पुलिस ने आकर दरवाजा खोला तो वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। अंदर तो नानी और नाती की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। ये दोनों डेड बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो गई थी। पुलिस के अनुसार बॉडी 4 से 5 दिन पुरानी है। बदबू के कारण बॉडी रेस्क्यू करने में पुलिस को काफी दिक्कत हुई। थाना प्रभारी मिथिलेश तिवारी ने बताया कि शव को पुलिस के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल घटना के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है, हालांकि मामला बहुत संदिग्ध बताया जा रहा है। उधर राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। मुंबई में छापेमारी कर जोधपुर पुलिस ने गिरोह की 2 महिलाओं समेत 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 6 सितंबर को आकांक्षा जैन नामक महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मार्को नामक व्यक्ति ने खुद को यूके का रहने वाला बताकर फेसबुक पर उसके साथ दोस्ती कर ली। उसने महिला से कहा कि उसे अपना सामान इंडिया भेजना है। इसी के चलते 31 जुलाई को एक महिला ने आकांक्षा को कॉल की और बताया कि उसका कुछ सामान आया है, कस्टम रिकवरी के लिए 55,000 रुपए मांगे। आकांक्षा ने पैसे दिए। अगले दिन फिर कॉल आया। महिला ने कहा कि पर्स में 30,000 पाउंड है, जिसे भेजने का तरीका गैर कानूनी है। महिला ने आकांक्षा को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, फिर RBI के नाम से ईमेल भेजकर आकांक्षा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उसे 16,26,000 की ठगी कर ली। जिसके बाद पुलिस की विशेष टीम मुंबई गई और मुंबई से गणेश, जितेंद्र, शिफा और शाहीन को गिरफ्तार कर लिया। तो ये थी क्राइम से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी मोबाइल न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप रह सकें देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट।